नमस्कार, आज आपल्यासमोर विनायक हॉस्पिटलमधून पुन्हा एक नवीन पेशंट आहेत. त्यांचं नाव आहे बिस्मिल्ला सय्यद, वय वर्ष 50. ते पंढरपूर या ठिकाणाहून आले आहेत. त्यांना गेल्या 3 महिन्यांपासून मणक्याचा भरपूर त्रास आहे, आणि काय काय त्रास आहे ते आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया. ठणक लागते, आपल्याला ठणक कशी लागते? अशी कमरेपासून खाली पडते, पूर्ण डाव्या पाय तळपायापर्यंत. म्हणजे बाहेर ठिकाणी कुठे? बर, येत आले तुम्ही. म्हणजे तुमचं बाहेर ठिकाणी कुठेतरी मणक्याचंच ऑपरेशन झालं होतं 5 वर्षांपूर्वी, तेव्हा तुमचा उजवा पाय दुखायचा. आता 3 महिन्यांपासून तुमचा डावा पाय दुखतोय. असं नाही गेलं तर तुम्ही किती वेळ चालू शकता सलग? किती वेळ? 10-15 मिनिट. 10 मिनिट बसू शकते. तिथून पुढे तुम्हाला ठणक लागते, रग लागते. तुम्हाला इथली माहिती तुमच्या बहिणीमार्फत भेटली. त्यांचं ऑपरेशन डॉक्टर अमृत गुप्ते सरांनीच केलं आहे का? कधी केलं? 4 वर्ष झाले. आणि आता ते एकदम बरे आहेत का? सर्व कामे करतात, जड काम, चालणे, घर काम वगैरे, वाकून वगैरे, खाली पण बसून सगळी कामं करतात, काहीच त्यांना त्रास नाही. मावशी, जसं बाकी सर्व पेशंटला डॉक्टर अमृत गुप्ते सर 100% गॅरंटी देतात मणक्याच्या ऑपरेशनची, तशीच तुम्हाला पण गॅरंटी मिळाली का? हो, आम्हाला पण मिळाली होती. तुम्ही पूर्ववरत एकदम सर्व, तुमचा जो काही त्रास आहे मणक्याचा तो सगळा जाईल, आणि तुम्ही एकदम छान चालू शकणार. आता आपण ऑपरेशनमध्ये पण भेटूया, बघूया तुमचं ऑपरेशन कसं चालू आहे कसं नाही, आणि ऑपरेशन झाल्यावर देखील आपण भेटूया. तुमचं ऑपरेशन झाल्यानंतर तुम्हाला वेदनांमध्ये कसा फरक पडला हे आपण बघूया, ठीक आहे? जो तकलीफ की वजह से आपको रात भर नींद भी नहीं आ रही थी, आज आप सुकून की नींद भी सोने वाले हो. हाँ. और जो पैर की तकलीफ लेकर आए थे वो पूरी तरीके से जा चुकी है. पूरा ये महीना तुम्हें रात भर जगा चली, मतलब पूरा महीना आपने रात भर जाग कर निकाला है. हाँ. तकलीफ की वजह से, तो अभी आपकी तकलीफ तो जा चुकी है. जैसे ही आपकी बेहोशी कम हो गई, आप तुरंत बाकी हमारे जैसे पेशेंट चल रहे हैं उन्हीं की तरह चलना चालू करोगे, और देखोगे कि अपनी तकलीफ पूरी तरीके से गई है. और जैसे कि आपको नींद भी नहीं आ रही थी तो वो भी उस वजह से आएगी, क्योंकि दर्द ही नहीं है. अब चलो, अभी अपन बाहर आपको चलते हुए देखेंगे. ऑपरेशन, और आपने हमें चल के भी दिखाया, सीढ़ी भी चढ़े आपने, उतरे वापस नीचे, और वापस किचन में भी आपने काम करके दिखाया. तो इतना सब काम करते वक्त आपको कुछ तकलीफ हुई पहले जैसे? कुछ नहीं तकलीफ. जो आपको ऑपरेशन के पहले जो तकलीफ थी वैसे कुछ तकलीफ हुई? 5 मिनट भी नहीं ठहरने देता था आपको ऑपरेशन से पहले? 5 मिनट भी ठहरने देता नहीं था पापा. और अभी आप कितने देर तक ठहर सकते हैं? अभी 1-2 घंटे. मैं तो देख रहा हूँ आप जब से ऑपरेशन होके गए हैं आप तब से चल रहे हैं, आप कंटिन्यू चल रहे हैं आप, और आपको चलते वक्त कुछ पहले जैसे तकलीफ हो रही? कुछ भी नहीं, दर्द पूरा गायब हो गया आपका ऑपरेशन के बाद. ऑपरेशन के बाद आप कितनी देर बाद चले डॉक्टर ने? आधे घंटे के बाद आप खुद से चले, किसी का सपोर्ट ना लेते हुए, और चलते ही है अभी. अब तक आप अंदाजे कितने किलोमीटर चले होंगे चाची? 5-6 किलोमीटर चले. 5-6 किलोमीटर चले, और इतना चलते हुए तो आपको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई? मेरे बेटे ने बाहर ले जाकर नरेंद्र पानी भी पिलाया. आप बिल्डिंग के नीचे भी गए थे? बिल्डिंग के नीचे जाके घूम के आए, और फिर भी आपको कुछ तकलीफ नहीं थी? ऐसा आप कितने दिन पहले आप नहीं चल पा रहे थे? 1 महीना. 1 महीने से आप चल नहीं पा रहे थे?
चाची आपके जैसे ही तकलीफ जिन लोगों को है, बेटी को है मेरे जैसी तकलीफ, तो उनको आप क्या संदेश देंगे? तो मैं ऐसे बोलूंगी ना, मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा गया, मेरे को वो कुछ तकलीफ नहीं हुई, ऑपरेशन की नहीं कुछ तकलीफ हुई। अभी आप ठीक से चल पा रहे हैं? चल पा रहे हैं, बहुत खुश है, सब काम कर पा रहे हैं आप। और सबसे पहले तो आप बाहर, आपको किधर स्पाइन के ऑपरेशन की गारंटी नहीं मिलेगी, जो डॉक्टर अमरीश गुप्ते सर गारंटी लेके तो वैसे डॉक्टर साहब ने जैसे आपको गारंटी दी तो उस तरह से आपको रिजल्ट मिले, आप खुश है चाची? खुश है, मैं खुश है। थैंक यू।